गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस और ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मूल रूप से हमने जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस के बारे में बात किए थे। आज जो मूल रूप से बात करेंगे वो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का आपका क्या स्ट्रेटजी हो कि अधिक से अधिक मार्क्स आप अचीव करें, आपका मार्क्स 200 प्लस हो, 195 प्लस हो। ज्योग्राफी ऑप्शनल में ऐसा मार्क्स आता भी है और आप इजी वे से 195 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जहां तक ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात है, ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस सभी जगह पर ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर है वह आपका जीएस में भी मदद करेगा। जैसे आप कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो आपको यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। कभी कभी तो ये क्वेश्चन का संख्या 30 तक जाता है। तो आपको यूपीएससी में प्लस यूपीएससी में आपको पेपर थर्ड जीएस का वहाँ भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपको मदद मिलेगा, प्लस पेपर जो फर्स्ट है वो तो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो पेपर वन प्लस पेपर थर्ड प्लस आईआर में, जैसे बीपीएससी में भी करेंट अफेयर्स में आपको मदद मिलेगा। विदाउट मैपिंग आप आईआर का क्वेश्चन का सही डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, सही सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो आईआर में भी आपको हेल्प मिलेगा। प्लस जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, बीपीएससी में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल 300 मार्क्स का है, तो 300 प्लस आप कहिए कि साइंस टेक, बीपीएससी का जो साइंस टेक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस टेक का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, आप कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्लड कंडीशंस आपको समझना होगा, आपका जो भी अर्थक्वेक से रिलेटेड मैटर्स होगा उसको समझना होगा। तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको मदद देगा। तो इस तरह से साइंस टेक, आईआर, आपका प्रीलिम्स में प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल जो बीपीएससी में 300 मार्क्स का है वहां पर आपको इससे मदद मिलेगा। जहां तक बात की जाए ये आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल बीपीएससी में दो सेक्शन में डिवाइड होता है। पेपर जो होता है वो एक ही पेपर होता है, पेपर एक ही होता है। टोटल मार्क्स जो होता है वह आपका 300 मार्क्स का होता है और टाइमिंग 3 आवर्स होता है। अब जो पेपर्स है वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन सेक्शन ए और सेक्शन बी, प्रत्येक सेक्शन से 6 क्वेश्चन इंक्लूड होता है। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे उस क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होंगे और आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और एवरी ग्रुप से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर
राइट डाउन करना होगा, आपको सोल्व करना होगा। तो इस तरह से यहाँ सिक्स क्वेश्चन एवरी सेक्शन से 3 क्वेश्चन सोल्व करना होगा, अर्थात 1 क्वेश्चन जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर तो सेक्शन ए सेक्शन बी हुआ, टाइमिंग 3 आवर्स होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन हाफ आवर्स में आपको लिखना होगा, तभी 3 आवर्स में आप टोटल 6 क्वेश्चन लिख पाइएगा। और इसके लिए आपके पास क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस घर पर बहुत बार करना होगा। जैसे जनरली लोग कहता है कि 1 क्वेश्चन को 10 बार 15 बार, आप जितना अधिक से अधिक बार क्वेश्चन लिख सके और कंटिन्यू 3 घंटा क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आपसे वहाँ पर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। अब अगला बार आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जनरली सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 6 क्वेश्चन जो होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, और यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रिलेटेड होगा। अब फिजिकल ज्योग्राफी से टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी से टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी सभी विद्यार्थी के लिए यूजी होता है, क्योंकि वो 11th 12th में पढ़ता है, जीएस के अंतर्गत पढ़ता है और नॉर्थ पेपर में भी पढ़ता है, प्लस वो मास्टर डिग्री अगर ज्योग्राफी से लेता है तो उसमें भी पढ़ता है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल ज्योग्राफी ईजी होता है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो 3 अलग अलग सेक्शन से होते हैं, और इसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट जो मार्केट में बीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक अवेलेबल है वो सविंदर सर का बुक्स है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो उनका जो बुक्स है वो सबसे बेस्ट बुक है। अब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में ही आते हैं इस सेक्शन में, तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 पार्ट्स में होगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ए, क्वेश्चन फर्स्ट बी, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी होगा। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आपका टोटल 3 क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ भी क्या होगा, ए बी होगा, ए बी, यहाँ भी आपका ए बी, यहाँ भी आपका ए और बी। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है सभी विद्यार्थी सोल्व करते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होता है। लास्ट बार जो क्वेश्चन आया था वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था आपका लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होगा, सेकंड जो यहाँ क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लाइमेटोलॉजी और ओसनोग्राफी से रिलेटेड होगा, सेकंड क्वेश्चन। अब क्लाइमेटोलॉजी जो भी होता है एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है, बार बार यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये ध्यान देना चाहिए, बीपीएससी के स्ट्रेटजी को समझना चाहिए। अगर आप बीपीएससी के स्ट्रेटजी को नहीं समझे तो एक लंबा सिलेबस पढ़ना होगा, और अगर आप स्ट्रेटजी को समझ जाते हैं तो सिलेबस का 60-65% 70% पार्ट्स को पढ़कर बार बार उसी को रिवाइज करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से होगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ओसनोग्राफी से होगा। जैसे पिछले बार जो 66th बीपीएससी मेंस हुआ, यहाँ पर एक वाटर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक जो क्वेश्चन था वह आपका फ्रंट से रिलेटेड था, कि फ्रंट का टाइप्स और अदर अदर जो फ्रंट का टाइप्स है उसमें कौन कौन सा सीजन्स डेवलप होता है, कौन कौन सा वेदर्स डेवलप होता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ वाटर साइकिल और एक
फ्रंट से रिलेटेड आपका वेदर कंडीशंस था। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए तो यहाँ इकोलॉजी इन्वायरमेंट सॉइल साइंस से क्वेश्चन होता है, जो लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट यहाँ पर भी क्वेश्चन जो था वो आपका ओशन करंट अर्थात ओशनोग्राफी से क्वेश्चन था, और सेकंड जो यहाँ क्वेश्चन था वह इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। तो अगर ये फिजिकल ज्योग्राफी ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सेक्शन ए का तीन क्वेश्चन आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप तीनों क्वेश्चन सेक्शन ए से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप दो क्वेश्चन तो इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी बहुत अच्छा से पढ़ता है। तो एक क्वेश्चन तो आप क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी से कर दीजिएगा और एक क्वेश्चन जियोमोर्फोलॉजी से कर दीजिएगा। ये ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट सॉइल से रिलेटेड आपको ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सोल्व ना भी करते हैं तो सेक्शन ए से दो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं। और ये बात ध्यान देना होगा, आगे जो बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो होगा, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वह आपका जियोग्राफिकल थॉट से रिलेटेड होता है, सिक्स नंबर और फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन होता है आपका ह्यूमन जियोग्राफी। हमने बोला कि फिजिकल जियोग्राफी ये सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, जो सेकंड पार्ट है जिसमें तीन क्वेश्चन रेस्ट बचा हुआ है वह ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन होता है वह आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन जो होगा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन होगा। अब यहाँ ही आपको ध्यान देना है, इसमें भी ए बी क्वेश्चन होगा। एवरी क्वेश्चन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ए एंड बी, और एवरी क्वेश्चन हैव 25 मार्क्स। तो ए एंड बी, यहाँ भी ए एंड बी। आप देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन होता है बीपीएससी में, बीपीएससी का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ज्योग्राफिकल थॉट से है। यहाँ पर ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ ज्योग्राफिकल थॉट से, तो आपको यहाँ ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी और जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, चार ठो ज्योग्राफी ऑफ स्कूल पढ़ना है। ये चार से बार बार क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ यहाँ पर द्वैतवाद ड्यूलिज्म से क्वेश्चन होता है। तो द्वैतवाद में क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेज ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल में क्या ड्यूलिज्म है क्या द्वैतवाद है उससे रिलेटेड होता है। प्लस यहाँ नियतिवाद और संभववाद, आपका डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, साथ ही साथ यहाँ एक अन्य क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो आपको 67th बीपीएससी मेंस होगा, जनरली वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले दो बार से वो क्वेश्चन थॉट में नहीं पूछा है। वह क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति। अब जो लास्ट यहाँ जो 66th बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है व्यवहारवाद से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। एक मिनट, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 66 में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हाँ बिहेवियरल ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन द्वैतवाद से रिलेटेड था, आपका डायटोमी से रिलेटेड था। तो इस तरह से यहाँ अब आप अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सेक्शन थॉट के अंतर्गत, तो इससे पहले डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच जो द्वैतवाद था उससे रिलेटेड था। अगला जो क्वेश्चन होगा वह आपका मात्रात्मक क्रांति क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन होगा, या हो सकता है कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच जो द्वैतवाद है उस द्वैतवाद से यह एक क्वेश्चन देगा। और पूरे 50 मार्क्स का ये 4 नंबर क्वेश्चन होता है, और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से प्राप्त होता है, यहाँ आपको 35 मार्क्स तक इस क्वेश्चन से प्राप्त होता है। जनरली 30 के करीब में ही अच्छा से भी आंसर आप लिखते हैं, कितना भी मैप बनाते हैं आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो भी 30 नंबर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो 30 से 35,
मार्क्स तक प्राप्त होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को प्रत्येक विद्यार्थी अनिवार्य रूप से लिखना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपके पास थॉट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन आया तो इसमें क्या है, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन हो, यहाँ पर आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर सेटलमेंट ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, चूंकि ये तो टोटल सेक्शन ही ह्यूमन ज्योग्राफी है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में ही पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ हो सकता है। अब यहाँ क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी होता है। अगर हम बात करें 6th नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो जनरली क्वेश्चन होता है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन होता है। जैसे पिछले बार जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, फेडरलिज्म क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरलिज्म। जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है या जो लोग पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं वे लोग भी संघवाद, तो वही संघवाद यहाँ लिखना था जो 6th नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ आप 3 में से 1 क्वेश्चन इधर चूज कर लिए थॉट वाला, और 2 फिजिकल का क्वेश्चन का आंसर दे दिए, 3 आपका कंप्लीट हो गया। अगर दूसरा सेक्शन आप नहीं भी पढ़ते हैं तो पर भी आप 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको सेक्शन ए में 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 2 फिजिकल ज्योग्राफी से और 1 थॉट से आंसर दे देते हैं तो आपको यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी सिलेबस यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या है, बाउंड्रीज है, फ्रंटियर है, बफर स्टेट्स है, सीमा सीमांत के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड फ्रंटियर बफर स्टेट, ये आपका क्वेश्चन 65 बीपीएससी मेंस में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, बार बार बीपीएससी या यूपीएससी हार्टलैंड थ्योरी पूछता ही पूछता है। तो ये भी आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, हार्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी। साथ ही साथ यहाँ पर फेडरलिज्म जो आपका 66 बीपीएससी मेंस में पूछा गया जो संघवाद, तो वो क्वेश्चन है। अब सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी का भी बीपीएससी में लिमिटेड सिलेबस है, 1 अर्बन रूरल फ्रिंग, ग्रामीण नगरीय जो है फ्रिंग, अर्बन रूरल फ्रिंग, ग्रामीण नगरीय फ्रिंग, और सेकेंड जो क्वेश्चन है सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये कि यहाँ आपका रूरल सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, अर्बन सेटलमेंट से, सेटलमेंट में ही 2 टाइप्स होते हैं, अर्बन सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हमने बोला वो जनरली अर्बन सेटलमेंट्स का क्वेश्चन है, रूरल सेटलमेंट्स का यहाँ क्वेश्चन क्या हो सकता है, ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स या टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट्स या पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, या यहाँ अर्बन ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन हो सकता है अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड, कि आपका नगरीय प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में क्या क्या समस्या है आज के समय में, देखिए कि अर्बन एरियाज में क्या क्या, या भारत में नगरों का विकास, तो भारत में नगरों का विकास कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये क्वेश्चन आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी से है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात की जाए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सबसे पहले जो है रिसोर्सेज है, संसाधन, जो भी वर्ल्ड का रिसोर्स है वो रिसोर्सेज है। साथ ही यहाँ वान थ्यूनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस है, वान थ्यूनेन्स का जो मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी है, आपका माजिद हुसैन सर का एक बुक आता है मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी, अब वो मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी में वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थितिक सिद्धांत दिया गया है। तो वान थ्यूनेन का सिद्धांत या विश्व में कृषि का प्रकार कितने, डी विस्टनी के द्वारा विश्व को अलग अलग कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो जो लास्ट क्वेश्चन आया था 66th बीपीएससी, तो डी हिस्ट्री का कृषि प्रदेश से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। साथ ही यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सा है आपका वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, तो वान थ्यूनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन, साथ ही साथ डी हिस्ट्री का जो आपका वर्ल्ड
एग्रीकल्चर रीजन्स है उसको कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ वर्ल्ड में जो भी रिसोर्सेज है उसको कंप्लीट करना होगा। यहीं पर आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंस है, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, उसका काउज है, इम्पैक्ट है, तो माइग्रेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ यहाँ पर जनसंख्या से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया गया है, तो वो आपका जनसंख्या से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया गया है वो प्लस मानव के उद्भव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति किस तरह से मानव के उत्पत्ति हुआ, तो ये आपका क्वेश्चंस कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपको वुमेन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ऐसे पूरा सेक्शन सी वुमेन ज्योग्राफी है। तो इस सेक्शन में अगर आप इससे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं और फिजिकल का दो क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो चार क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए थॉट के लिए सबसे जो अच्छा बुक है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, तो आपका हिंदी मीडियम में जो बुक है वह माजिद हुसैन सर का बुक्स है थॉट के लिए। अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में जो बुक्स है वह आपका सुदीप्तो अधिकारी, सुदीप्तो अधिकारी सर पटना यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे और उनका थॉट का बहुत अच्छा बुक्स आता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अपना नॉलेज को इनरिचमेंट करने के लिए सुदीप्तो अधिकारी सर का बुक पढ़ना चाहिए। और जिन बच्चा का मीडियम जो है हिंदी मीडियम है तो हिंदी माजिद हुसैन सर का बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध है, तो हिंदी मीडियम के बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी सुदीप्तो अधिकारी सर के बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब जहाँ तक बात हुई आपका बंसल का बुक्स आता है, तो बंसल का बुक्स जो है वो आपका सेटलमेंट से रिलेटेड बंसल्स का बुक्स आता है। तो ये अदर अदर जो बुक्स है उसको आप पढ़ सकते हैं जो आपको जितना ज़्यादा मदद कर सकता है। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट बंसल का बुक है। अगर आप पॉपुलेशन तो आर सी चंदना, अब उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि आर सी चंदना का जो बुक देखिएगा 600 से 800 पेज में है, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी का बुक है जो कि आपका इंडिया में फर्स्ट जो बुक लिखा गया आर सी चंदना के द्वारा ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी का बुक लिखा गया। तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया। अगर आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छा बुक्स जो है सक्सेना सर की बुक आती है, तो सक्सेना सर के बुक आप पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम का बुक आता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह से तीन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम कहते हैं कि आप जब भी क्वेश्चन चूज कीजिए तो दो फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन जरूर चूज कीजिए और एक थॉट का क्वेश्चन चूज कीजिए। ये तीन क्वेश्चन आप लिख देते हैं तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाता है। जहां तक सेक्शन बी की बात है, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी ऑफ बिहार है। तो यहाँ सेक्शन बी में, अब सेक्शन बी में भी छह क्वेश्चन ही होंगे, यहाँ भी टोटल जो क्वेश्चन होगा वो छह क्वेश्चन होगा और प्रत्येक सेक्शन में दो क्वेश्चन होंगे। अर्थात जो सिक्स नंबर का क्वेश्चन होगा ये भी आपका ए और बी होगा। उसी तरह से सेवेंथ नंबर भी जो क्वेश्चन होगा वो आपका ए बी होगा, एट नंबर भी वही क्वेश्चन होगा ए बी। अब यहाँ पर इस तरह से 12 नंबर तक क्वेश्चन होंगे जिसमें से दो से तीन क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और तीन जो क्वेश्चन होगा वह इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का आंसर आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको कोई डाउट नहीं है। जैसे आप माजिद हुसैन सर का बुक पढ़े या आर सी तिवारी सर का बुक पढ़े, दोनों बुक में से कोई एक ही बुक खरीदना है, गलती से भी दोनों बुक नहीं खरीदना है।
आरसी तिवारी सर का बुक पर है या माजिद हुसैन सर का बुक पर है। अब यहाँ तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपका एक सफिशियंट कोई भी बुक है, लेकिन जैसे ही इंडियन वुमेन ज्योग्राफी में आप प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, तब वहाँ आपके पास रिसोर्स की कमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी बुक्स में डाटा है वो बहुत पुराना डाटा है। आप एनसीईआरटी भी बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स में भी पुराना डाटा है, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो जो भी बुक्स है उसमें बहुत पुराना डाटा है। तो यहाँ पर करेंट अफेयर्स का सेक्शन बी में करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार का तो कोई भी बुक्स नहीं है मेरे अनुसार, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार का कोई बुक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ज्योग्राफी ऑफ बिहार के क्वेश्चन को लिखने के लिए बिहार से रिलेटेड ए टू जेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको बिहार के ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि चूँकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता हो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जोड़ कर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ ज्योग्राफी ऑफ बिहार के लिए कोई भी बेसिक बुक आप पढ़ सकते हैं जिससे एक आपको कॉन्सेप्ट की प्राप्ति हो, लेकिन जो उसका डाटा है करेंट अफेयर्स के माध्यम से जोड़ना होगा उसके लिए सबसे बेस्ट जो है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे सबसे बेस्ट सोर्स है। सोर्स अनेकों हो सकते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट सोर्स है आपका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे सबसे बेस्ट सोर्स है। जहाँ तक इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो भी आपका करेंट अफेयर्स का सोर्स है, वहाँ योजना जो मैगजीन्स आता है आपका, वो मैगजीन्स बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड, ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड योजना मैगजीन्स को आप कंप्लीट कीजिए और एक बुक ले लीजिए माजिद हुसैन सर का या आरसी तिवारी सर का, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए और योजना मैगजीन से उसको करेंट करते चलिए। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में तो कोई करेंट नहीं करना है, जो भी करेंट सुधार करना है वह आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन होता है जनरली 2.5 से 3 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड होता है और 3 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। तो जैसे एग्रीकल्चर में ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो भी चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स की यहाँ हम बात करते हैं। और कुछ चैप्टर्स है तो जैसे सबसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब इसमें बहुत सारा चैप्टर्स है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आप जो 9th क्लास में जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं या 11th क्लास में जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो एकमात्र इस चैप्टर्स में है। जैसे इंडिया का फिजिकल डिवीजन फर्स्ट जो चैप्टर हुआ, सेकेंड यहाँ पर जो हुआ वो आपका इंडियन रिवर्स या स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर्स, इंडियन मानसूनस। तो इंडियन मानसूनस का ओरिजिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका इंडियन रिवर्स के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लस यहीं पर करंट के अकॉर्डिंग बहुत अधिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बन जाता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बीपीएससी में तो नहीं पूछा गया है हाल फिलहाल के वर्षों में, लेकिन यूपीएससी में अनेकों बार पूछा जा चुका है। नदी जोड़ो परियोजना, उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उससे रिलेटेड। तो ये आपका रिवर चैप्टर्स में ही ये ऑलरेडी है। उसके बाद सॉयल बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, भारतीय टाइप्स ऑफ सॉयल, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, टाइप्स ऑफ सॉयल, सॉयल का सॉयल प्रॉब्लम्स और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का क्या क्या उपाय है। तो सॉयल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साथ ही इंडियन वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना जो क्वेश्चन है वो एक ही चैप्टर्स है, और ज़्यादातर यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्वेश्चन जो है कि भारत को फिजिकल डिवीजन में डिवाइड कीजिए। तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि भारत को चार भाग फिजिकली चार भागों में डिवाइड किया जाता है, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर एरियाज और फोर्थ नंबर कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स। अभी चारों का डिटेल्स नहीं पूछता है, क्योंकि चारों का डिटेल्स पूछेगा तो सिंपल सी आप तीन घंटा सिर्फ इसी को लिखते रह जाइएगा, कोई एक का डिटेल्स पूछता है। अब एक चाहे आप कोई लिखिए, नॉर्दर्न माउंटेन लिखिए, नॉर्दर्न प्लेन लिखिए, पेनिसुलर इंडिया लिखिए या कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड लिखिए, तो ये क्वेश्चन तो यहीं से जनरली आता है। पॉपुलेशन, अब यहाँ जो पॉपुलेशन हमने चैप्टर्स डाला है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन में आपका शेड्यूल ट्राइब रीजन्स भी, जैसे इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स रीजन कितना है, बिहार में कितने शेड्यूल ट्राइब्स रीजन है, तो उस क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ सोल्व करना होगा। और पॉपुलेशन से रिलेटेड माइग्रेशन हुआ, सेक्स रेशियो हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटीज हुआ, जो भी पॉपुलेशन से लिटरेसी रेट्स है, जनसंख्या के वृद्धि का सिद्धांत है, तो वो सारा क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। रिसोर्स, तो जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो आपका मिनरल रिसोर्सेज है, इनर्जी रिसोर्सेज है, वह आपका कोस्टल एरिया में जो रिसोर्सेज है वो टोटल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंस, भारत इंडिया इज एग्रीगेरियन कंट्रीज एंड बिहार आल्सो एग्रीगेरियन स्टेट्स, से एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पर भारतीय कृषि की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस आपका ग्रीन रिवोल्यूशंस है, आपका मिल्क रिवोल्यूशंस है या अदर जो भी रिवोल्यूशंस है, साथ ही साथ भारत को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। और यहीं पर जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है लैंड रिफॉर्म, तो लैंड रिफॉर्म के भी बारे में आपको जानना होगा। लैंड रिफॉर्म अगर आप यहाँ सही पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी में जो जीएस पेपर टू है, जीएस पेपर टू में जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है वहाँ भी आपको मदद मिलेगा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म जनरली इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स का मीनिंग अलग अलग होता है, अनेकों मीनिंग्स होते हैं। तो ये लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रीजन्स, आपका ग्रीन रिवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार में क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा गया, तो ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, तो भारत में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आज़ादी के बाद कैसे कैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, तो फर्स्ट टाइम फाइव ईयर प्लान के माध्यम से हुआ, फिर उसके बाद अभी तो नीति आयोग है, तो नीति आयोग के माध्यम से इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो भी नीति बनाया गया, फर्स्ट औद्योगिक नीति, सेकेंड औद्योगिक नीति, थर्ड औद्योगिक नीति, साथ ही साथ आपको नई आर्थिक नीति जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया वो आपका 1991 में, तो उससे रिलेटेड तो कैसे कैसे उद्योगों का विकास किया जा रहा है, साथ ही आपका कृषि आधारित एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या अदर्स में तो इंडस्ट्रियल रीजन बार बार पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे 65th बीपीएससी में इंडस्ट्रियल रीजन्स क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 65th बीपीएससी में आपका ग्रीन रिवोल्यूशन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ट्रांसपोर्टिंग, तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है आपको रोडवे, रेलवे, एयरवे, आपका जो वाटरवे, तो वाटरवे से जो भी क्वेश्चंस है, जैसे नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे टू, नेशनल वाटरवे थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, अभी तो गवर्नमेंट के द्वारा 111th
नेशनल वाटरवे डेवलप करने का गोल है। अभी जो है 5-6 तक डेवलप हो चुका है, तो भारत में कैसे जलमार्ग का विकास हो रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन 65 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ प्लस इसमें ट्रेड से रिलेटेड सेटलमेंट, तो बस्ती का प्रकार कैसे कैसे बस्ती का विकास होता है वो आओ आपका अर्बन सेटलमेंट। रीजनल डेवलपमेंट, तो रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनल डेवलपमेंट। अब भारत में जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, प्रारंभ में जो डेवलपमेंट का काम किया गया वह आपका पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से और फाइनेंस कमीशन के माध्यम से डेवलपमेंट का कार्य किया गया। उसके बाद अभी तो नीति आयोग से रिलेटेड है। अब उसके बाद जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत और शहरी निकाय को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि पंचायत लेवल पर डेवलपमेंट, आपका ब्लॉक लेवल पर डेवलपमेंट, जिला स्तर पर विकास, राजस्व कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो रीजनल डेवलपमेंट में यहाँ। साथ ही यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी सेक्शन बनता है, एक चैप्टर यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी इंडिया में है, तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो इंडिया में है। अब यहाँ पर क्या है, भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा संबंध, जैसे आपका 66 बीपीएससी में इंडिया चाइना रिलेशन पूछा, सीमा पर क्या क्या कन्फ्लिक्ट है। अब अगला क्या पूछ सकता है, पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ सकता है या ऑल ओवर टोटल पूछ सकता है कि सीमा संबंध विवाद क्या है, सीमा संबंध क्या है। राज्यों का पुनर्गठन जो आप जो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन पढ़ते हैं, राज्यों का पुनर्गठन ऑलरेडी यहाँ भी पढ़ना है आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, नए नए राज्यों का गठन, जैसे बीपीएससी पूछ चुका है कि किस आधार पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का, उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया गया, वो आपका 2012 के करीब में जो मेंस हुआ था, चूँकि उसी समय उससे पहले ये तीन राज्य 2000 में बने थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन से पुनः क्वेश्चन पूछा गया, आने वाला समय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद क्या है, हिंद महासागर का राजनैतिक महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार जो आएगा 67th बीपीएससी में, वो क्वेश्चन यही आ सकता है कि हिंद महासागर का राजनैतिक महत्व, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन। तो ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद जैसे इंडियन ज्योग्राफी का अलग अलग चैप्टर्स है, ये तो कुछ चैप्टर्स का हमने नाम लिखा है, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी हमने बोल दिया कि और कौन कौन सा चैप्टर्स है, उसी तरह से ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड चैप्टर्स है, और ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड 2.5 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप बिहार के ज्योग्राफी का क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो उसमें आपका नोट्स में करेंट अफेयर्स इंक्लूड होना चाहिए, साथ ही क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ ज्योग्राफी में विदाउट मैप आंसर राइटिंग नहीं किया जा सकता है। अगर आप ज्योग्राफी में विदाउट मैप